ये है खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी बड़ी जामिया गुमल का सब कैंपस टांक। कम तरक्की याफ्ता शहर टांक में घरों की दहलीज पर आला तालीम की फराहमी का आगाज़ 2017 में मुमकिन बना। मुल्क भर से हायर किए गए काबिल तरीन असातिज़ा को सिटी कैंपस डेर इस्माइल खान से टांक तक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। आज ये कैंपस मुकम्मल अंदाज में फंक्शनल है। अगर जुग्राफियाई एतबार से आप देखें तो साउथ वज़ीरिस्तान से आप सेटल्ड एरिया की तरफ जब आप उतरते हैं तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट टांक ही आता है। एक तरह से हब भी है। अब अगर टांक में हम देखें कि हायर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो जाना, ये अल्लाह का एक करम है। इसके बाद गोमल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की काविशें थीं, इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और टांक के जितने जुड़े हुए लोग हैं बशमूल बाकी इदारे, मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सब की इकट्ठी एक सोच एक कोशिश के साथ ये मुमकिन हो पाया कि हमने यहाँ पर तालीम को आम करना है, हमने तालीम का फ़रोग मुमकिन बनाना है और हमने वो सोच बदलनी है और तरक्की की जानब बढ़ना है। टांग शहर में मकामी अफराद के लिए इदारा आगे बढ़ने के लिए रास्ता मुहैया करने के साथ तरक्की की जानब रहनुमाई करता है, जो किसी नेमत से कम नहीं। इस वक्त जो है हमारे क्लास के जो बच्चे हैं, इवन के उनके मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास कि सर अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर आए, ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बना और हमारे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि हमें भी पढ़ना है और आगे जाना है और पाकिस्तान के अच्छे इदारों का लेवल का एजुकेशन अगर हमारे डोर स्टेप पर हमें मिल रहा है तो हम भी उनके हम पल्ला होकर कल को किसी भी कंपटीशन में जा सकते हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने ट्राइबल एरिया से मुंसलिक इस इलाके की जोग्राफियाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए खसूसी हिदायत जारी की और उन पर फौरी अमल दरामद की ताकीद की, जिसमें नए कोर्सेज के अजरा के अलावा सब कैंपस वाना भी शामिल है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने एक दौरा किया अपना, इस कैंपस को देखा, इसमें जो सहूलतों की दस्तियाबी थी उनके मुतालिक जांचा। इस हवाले से उन्होंने यही कहा कि नए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि जो चीज़ है भरपूर तरीके से, मतलब एक होता है सर कि अगर आप किसी चीज़ को जब असेस करने के बाद उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आपका कामयाबी का जो तनासब है वो ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। उन्होंने ये कहा कि आप इसमें लैंग्वेज कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लोगों को एक दूसरी सहूलत की सर्टिफिकेट डिप्लोमा अगर एक क्वालिफाइड फैकल्टी से मिलता है शॉर्ट कोर्सेज की सूरत में वो उनका बेनिफिट है। यहाँ पे सर प्रोफेशनल्स पढ़े हुए हैं बहुत से, उनकी भी ये ख्वाहिश है और यहाँ पे ऐसा कोई इदारा भी इस वक्त काम नहीं कर रहा जिसमें कोई शॉर्ट कोर्सेज लैंग्वेज कोर्सेज हों। दूसरा, जैसे हमारे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर की बुनियाद पर भी सर उन्होंने यही तय किया कि इसके भी शॉर्ट कोर्सेज आप साथ शुरू कर सकते हैं, एडवांस लेवल के कोर्सेज भी शुरू किए जा सकते हैं। मज़ीद सर उन्होंने ये देखा कि बेसिक साइंसेस जो है वो अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जाएं तो वो कामयाब हो सकती हैं, तो इसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नए डिपार्टमेंट खोलने के हवाले से बात है। अब लॉ का अगर हम इनटेक देखते हैं तो गोमल यूनिवर्सिटी में इस वक्त मेजॉरिटी आपको यही सर साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से नज़र आती है, तो वो भी चूँकि ये अब एज पर पड़ा हुआ है वज़ीरिस्तान की, तो अगर वो जहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा उसको रिस्पांस मिलने का इम्कान है। इसी तरह से नए डिपार्टमेंट जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है वो चूँकि वहाँ पे सर अब इस्टेब्लिश हो चुका है तो उसको भी यहाँ पे शुरू करने का एक प्लान में पाइपलाइन में एक चीज़ है। इसके अलावा सर जैसे हमने वहाँ पर देखा कि हमारी वो जो वेटरनरी कॉलेज था वो अब एक फैकल्टी के दर्जे को पहुंच गया है, बल्कि उसमें दो फैकल्टियां बन चुकी हैं सर, तो उसमें जो उनका डिवास एक प्रोग्राम है उसके हवाले से हमारी डीन इंचार्ज डीन जो हैं डॉक्टर शकीबुल्ला साहब के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी गाइडलाइन और सारी चीज़ें और काउंसिल तक फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, तो उसको भी सर मतलब यहाँ पर शुरू किए जाने का एक कवी इम्कान है। नेक्स्ट एडमिशन में इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें सर करने जा रहे हैं। वीसी साहब ने वाना कैंपस शुरू करने का और उस पर काम करने का इरादा जाहिर किया है, इसके लिए स्पेड वर्क शुरू हो चुका है और इसको वो वार फुटिंग्स पे सर लेना चाह रहे हैं कि ताकि मतलब ये जो बेल्ट है अगर इसमें हम फर्दर जाएँ तो मतलब उसमें लोगों को तालीम का जो एक एडवांटेज है वो रियल सेंस में दिया जाना चाहिए। टांग जैसे कदामत पसंद शहर में तारीख में पहली बार ख्वातीन की बड़ी तादाद यहाँ आला तालीम हासिल कर रही है।
मकामी फीमेल स्टूडेंट्स हम नसाबी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेती हैं। इस कैंपस में ओवरऑल या यहाँ टांग की जो ओवरऑल लड़कियों की बात है, दे आर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कमिटेड है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कोई एक्टिविटीज़ हम उनको दें, वो फ़ौरन से ग्रैब करती हैं एक चीज़ को, जल्दी से उनमें वो विलिंग है कि वो सीखना चाहती हैं, वो सामने आना चाहती हैं। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी जा रही हैं, ठीक है, बच्चों के लिए यहाँ पर हमने सेमिनार अरेंज करवाया, लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा हमारा जो इवेंट होने लगा था कल्चर डे के लिहाज से, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी, जितने भी मेल से ज़्यादा मैं कहूँगी कि फ़ीमेल में वो जज्बा इतना है कि वो आगे आना चाहती हैं, वो सीखना चाहती हैं इस चीज़ को, और ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अब जब ये बच्चियाँ यहाँ से पढ़कर जाएंगी तो इनको देखकर हमारे पास और बच्चियाँ जो है वो इंस्पायर होंगी, वो मज़ीद यहाँ आएंगी। इस दरसगाह में स्टूडेंट्स की मज़ीद ग्रूमिंग के लिए किताब की अहमियत व अफादियत का शऊर उजागर किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जामियात का विज़िट और हम नसाबी सरगर्मियाँ भी जारी रखी गई ताकि यहाँ स्टूडेंट किसी एहसास महरूमी का शिकार ना रहे। सर हमने एक बुक फेयर भी कराया, हमने बच्चों को सर गोमज यूनिवर्सिटी में होने वाले बुक फेयर पे भी विज़िट कराया, सर हम इनको लेके लकी यूनिवर्सिटी की तरफ भी गए जब वहाँ पे भी बुक फेयर इनको विज़िट कराया। तो उसका सिर्फ मकसद ये था कि वो जो एक रुझान है उनमें डेवलप किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली उस चीज़ की तरफ बढ़ें, किताब उठाएँ, किताब देखें, किताब पढ़ें और इसी चीज़ को फिर आगे ये प्रमोट करते चले जाएँ। तो हमने सर कोशिश की है, अब सर हम एक प्लान मतलब जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर से ये होगा कि इनका एक घंटा लाइब्रेरी आर के तौर पे, हम सर पहले भी उस पर अमल कर रहे थे, दरमियान में ये कोविड की वजह से थोड़ा सा सस्पेंड हुआ, लेकिन सर हम उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे कि मतलब हर सेक्शन हर सेमेस्टर का एक घंटा लाइब्रेरी के लिए सर मुख्तस होगा ताकि ये वहाँ पे जाएं, बैठें, देखें। अगर किसी बड़े इदारे की बात करें, डेवलप्ड सिटी की बात करें, कि वो बच्चों को मौके प्रोवाइड करते हैं, तो सर हमने इनको वो मौके भी प्रोवाइड किए। साइबर सिक्योरिटी पे अगर सेमिनार की बात आई तो सर वो जहाँ पे कंडक्ट कराया। सर एजुवेजन इस वक्त टॉप रेटिंग में है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, तो उनके CEO यूसुफ अलमास साहब, उनको हमने सर यहाँ पर बुलाया अपना गोमल में, गोमल के बच्चों और टांग कैंपस के हवाले से उन्होंने कैरियर काउंसलिंग का एक सेमिनार जो था उसका मतलब उन्होंने वहाँ पे लेक्चर दिया। सर हमने इन्हें नमल मियांवाली का विज़िट कराया, लकी यूनिवर्सिटी का भी विज़िट कराया। तलबा की मख्फी सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से बात की जाए तो यहाँ के शोबा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने दूसरे सेमेस्टर में ही कामयाबी से वेब पोर्टल बना दिया। ये तलबा अपने इलाके में कायम इस कैंपस को अपने लिए किसी नेमत से कम नहीं समझते। ये गोमल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने टांग जैसे पसमानदा इलाके के लिए इतना बड़ा इकदाम किया, उन्होंने हमें जो है हायर एजुकेशन डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया। तो मैंने जो है अपनी ही यूनिवर्सिटी के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जो कि वेब पोर्टल है, जो टेक्नोलॉजी मैंने इस्तेमाल की है, बैकएंड पे मैंने PHP जो है इस्तेमाल किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास तीन किस्म के पोर्टल बन जाते हैं, एक टीचर्स के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक जो है फिर एडमिन के लिए। इस तरह टीचर्स को आसानी होती है कि वो जो है अपने स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शन देना चाहें पोर्टल के थ्रू जो है आसानी से दे सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया प्रोजेक्ट HEC की फंडिंग और ज़ेर निगरानी इस खित्ते में कामयाब अंदाज में जारी है। ताहम इस साल प्रोजेक्ट की मुद्दत के खात्मे पर मज़ीद तोसी और बकाया फंड्स का इजरा इस वसी व अरीज़ पसमानदा खित्ते की फलाह के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इलाके का तालीमी मुस्तकबिल ही इलाके के मुआशी मुस्तकबिल से जुड़ा होता है। जुग्राफियाई एतबार से सर ये एक तो उस बेल्ट जो साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बेल्ट है उसको पूरा का पूरा टच कर रहा है, इसके साथ एक वसी इलाका जो है वो अगर हम सर विसिनिटी में जितने भी देहात हैं अगर वो देख लें, और उसके साथ मतलब अगर हम सर इस चीज़ को फोकस करें कि इस पूरे रीजन में यानी कि साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट टांग में सब डिवीज़न का जो एक दूसरा हिस्सा जंडोला है सर, इस पूरे इलाके में हायर एजुकेशन के हवाले से कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं था, तो इसकी अहमियत तो सर उस पर अगर बात की जाए तो वो ऐसा है सर कि कई एक हवालों से सर बहुत अहम है। ये तकरीबन 122 मिलियन के फंड्स हैं
इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट 231 मिलियन थी, 122 मिलियन के फंड अभी वहाँ HEC से रिलीज़ होना बाकी हैं। डेवलपमेंट के मद में 22 मिलियन से ज़्यादा के फंड्स और ऑपरेशनल फंड्स की मद में 100 मिलियन से ज़्यादा के फंड्स अभी तक हमें HEC की जानिब से रिलीज़ किए जाने हैं। अब सर आज अगर हम बात कर रहे हैं तो आज से तकरीबन 5 माह बाद इस प्रोजेक्ट ने वैसे तकमील को पहुंच जाना है, तो हमने जो उस पर एक वर्कआउट किया है जिसमें असाध्या और इंतज़ामी जो अमला है उनकी तनख्वाहें शामिल हैं ऑपरेशनल फंड्स के हवाले से और बाकी अखराजात, तो अगर HEC हमें ये पैसे दे देती है हम हुकूमत वक्त से भी इसका मुतालबा मतलब रिक्वेस्ट सर करेंगे PTI की गवर्नमेंट से, फेडरल है चाहे वो प्रोवेंशल है, कि वो हमें टांग के मुस्तकबिल की खातिर एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ये मतलब हमें सपोर्ट करें कि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड एलोकेटेड फंड्स हैं अगर उनको बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अगर वो हमें मज़ीद 2 साल के लिए देते हैं तो हम उसी में ही इसको मैनेज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से 5 साल हम इसमें निकाल लेंगे। लेकिन ये एक वो कार्य खैर है जिसका फ़ायदा इन द लॉन्ग रन जो है वो इलाके को होगा, इसकी नस्लों को होगा। ऐसा मुआशरा जो तवील अरसा अदम तवज्जही का शिकार रहा हो वहाँ हायर एजुकेशन की कामयाब फराहमी बिलाशुबा जहाँ शऊर व आगाही का बायस बन रही है वहीं इलाके की एहसास महरूमी के खात्मे का बायस भी बन रही है। कैमरामैन हशमत मलिक के साथ अबरार अहमद, घुमर यूनिवर्सिटी TV, डेरा इस्माइल खान।